कोम मरवत और उसका तारीखी पस मंज़र। कोम मरवत का ताल्लुक अफगानियों के लोदी ख़ानदान से है और ये लोग अफगानिस्तान के इलाका गजनी के करीब कठवाज़ में रिहाइश पजीर थे। अब मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के अजला लकी मरवत टांक और डेरे इस्माइल खान में आबाद है। ज़िला लकी मरवत पूरा, ज़िला डेरे इस्माइल खान और ज़िला टांक के काफ़ी इलाके पर मरवत कौम आबाद है। लकी मरवत की तस्मिया, लकी एक हिंदू था जिसकी गाड़ियाँ इलाका तल मरवत कबीले से गुजरती। गाड़ियों का स्टाप मरवत इलाका था, इस वजह से इस इलाके का नाम लकी मरवत पड़ गया। रिवायत है कि मरवत कौम इलाका कटवाज़ अफगानिस्तान में कौम गलजे के साथ आबाद थी और उनके आपस में नहायत खुशगवार ताल्लुकात थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन चंद अदबियत अंदेश आदमी की वजह से इनकी बिरादरी दुश्मनी में बदल गई और मरवत कौम को कटवाज़ का इलाका छोड़ना पड़ा और इनकी ज़मीनों पर सलेमरखेल कौम ने कब्जा कर लिया। कटवाज़ मरवतों का गर्माई मौसम था, सर्दियों में ये लोग खनबदोश होकर वाना में अपने जानवरों को चरवाने और आराम करने इकट्ठा करते थे, तो उस वक़्त इसका पेशा माल मवेशी था। मरवत कौम गजनी का इलाका कटवास क्यों छोड़ने लगा? मरवत कौम का एक गुलाम सलेमान खेल कबीले के साथ अमसाया था, जिसने एक औरत जिसका ताल्लुक सलेमान खेल कबीले से था वरगला कर फरार हो गया और मरवत कबीले में पनाह ली। सलेमान खेल कबीले ने मरवतों से गुलाम और औरत हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन मरवतों ने पश्तूनों की रिवायात को बरकरार रखते हुए मुलजिमान को जरगे के हवाले करने से इनकार किया और अपने सर एक ताकतवर और मुनज़्ज़म कबीले की दुश्मनी मोल ली। सलेमान खेर और गलजे कौम ने मिलकर मरवत कौम पर हमला किया और मरवत लोग कटवास छोड़कर वाना आ गए। वाना में वजीर और मसूद कबायल के साथ झगड़ा किया, फिर ये लोग टांग बईना में आ गए और यहाँ से पेलना शुरू हो गए। टांग से इधर अपेजू आगे मरवत कौम की नजरें इलाका तल पर थी जो आजकल मौजूदा लकी मरवत है, क्योंकि दरअपेजू में वसाइल की कमी और ज़मीन की तंगी की वजह से इस कौम की निगाहें इलाका तल पर थी। इलाका तल में सरंग और नियाजी आबाद थे। सरंग और नियाजियों के साथ लड़ाई के बाद ये इलाका मरवतों ने कब्जा कर लिया। नियाजी जंग की थाप न ला सके, रतंग की तरफ भागने लगे। नियाजी की शिकस्त के बाद तल मौजूदा लकी मरवत मरवत कौम के कब्जे में आ गया। ये 16वीं सदी अकबर आजम का जमाना था। मरवत लोग नस्लन कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुरिस्तान में शाह हुसैन के परदाद सलमान बर्राम को हुक्मरान मुकरर किया। बर्राम की औलाद में शाह हुसैन के दादा जमालुद्दीन हसन मुकरर हुए। वलीद बिन अब्दुल मालिक की खिलाफत तक हुक्मरान रहे। उजाद बिन यूसुफ ने इस इलाके पर कब्जा किया। कुनरेज लड़ाई के बाद सुलह हो गई। गोरियों ने जलालुद्दीन के बेटे कमालुद्दीन को वलीद का दौरुल खिलाफा भेजा। शाह हुसैन के वालिद ने बैतुल अरम की तरफ चलने का इरादा कर लिया। शाह हुसैन रास्ते में बिछड़ गया। शाह हुसैन अबिन उमर था, लिहाजा बेट बाबा ने इसकी शराफत और दरमियानदारी से मुतासर होकर दामाद बना लिया। मरवतों का ताल्लुक लोदी खानदान से, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इब्राहिम लोदी शाह हुसैन का बेटा था, सियानी इब्राहिम लोदी का बेटा था, इस्माइल सियानी का बेटा था, नोखान इस्माइल का बेटा और मरवत नोखान का बेटा था। लकी मरवत के मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी शख्सियात में सैफुल्ला बिरदवानी, अनवर सैफुल्ला खान, हमायूं सैफुल्ला खान, सलीम सैफुल्ला खान और कज़न ईशान इनामुल्लाह खान शामिल है। मिनाखेल ग्रुप में अनवर कमाल खान और फरीदुल्ला खान मिनाखेल, मेदाखेल ख़ानदान में नसीर मोहम्मद खान मिनाखेल और तारिक खान मिनाखेल, ज़ैनुलअबिदीन ख़ानदान में नूर असलम खान, नूर सलीम खान और इमरान खान, कबीर फैमिली में कबीर अहमद खेल, मुनव्वर गुल और ज़फरुल्ला, बीगू खेल ख़ानदान में मशाल खान बीगू खेल और बीजान खान बीगू खेल, असलम खान इसफ खेल, इदेतुल्ला खान इसफ खेल, अनवर आयात खान, खुदाई खिदमतगार रशीद अहमद खान मरवत कौम के मशरान मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी शख्सियात हैं।